नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वायर पे। आइए स्टार्ट करते हैं द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। देखिए, ये पोएम पब्लिश हुई 1798 में। ये पोएम 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि हम यहाँ पर एक एक कर डिस्कस करेंगे। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो है लिरिकल बैलेड है। व्हाट इज़ लिरिकल बैलेड? लिरिकल बैलेड जो है एक ही स्टोरी को नरेट किया जाता है, नरेटिव सॉन्ग और पोएम होती है, और एक ही इंसिडेंट और स्टोरी को यहाँ पर बताया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ एन एंशिएंट मैरिनर। फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज़ इट इज़ एन एंशिएंट मैरिनर। एंशिएंट मीन्स ओल्ड एंड मैरिनर मीन्स सेलर, जो शिप को सेल करता है। सो सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द पोएम इज़ द एंशिएंट मैरिनर। सो ये पोएम है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये राइम है किसकी? एंशिएंट मैरिनर की। आगे देखिए, एंड ही स्टॉप्ड वन ऑफ थ्री बाय दाई लॉन्ग ग्रे बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आई, नाउ वेयरफॉर स्टॉप्ड दाउ मी। अब जो है जो एंशिएंट मैरिनर है, उसने 3 वेडिंग गेस्ट में से एक गेस्ट को अपने पास रोक लिया, जो वेडिंग गेस्ट मैरिज फीस्ट अटेंड करने आए थे। उनमें से एक गेस्ट को अपने पास रोक लिया। बाय दाई लॉन्ग ग्रे बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आई। अब वेडिंग गेस्ट जो है मैरिनर की फीचर्स नोटिस करता है। अब मैरिनर के फीचर्स कैसे थे? ग्रे, लॉन्ग ग्रे बियर्ड थी और शाइनिंग आइज थी। नाउ वेयर फोर स्टॉप्स दाउ मी। वेयर फोर मीन्स वाई। अब वेडिंग गेस्ट वहाँ पर मैरिनर से परेशान होकर उससे पूछता है कि वाई हैव यू स्टॉप्ड मी, तुमने मुझे क्यों रोका है। द ब्राइड ग्रूम्स डोर्स आर ओपन वाइड। वे कहता है कि जो डोर्स हैं वेलकम के, गेस्ट के वेलकम के, वो पूरी तरह से ओपन है, वेलकम के लिए ओपन है। एंड आई एम नेक्स्ट टू किन। kin means relative. So and I am close to the bridegrooms. अब wedding guest कहता है कि मैं bridegroom के, जो दूल्हा है उसकी family के बहुत ही close हूँ, तो मेरी presence जो है वो necessary है, मुझे जाना चाहिए। The guests are met, the feast is set. Mayest hear the merry din. अब वेडिंग गेस्ट मैरिनर को कहता है कि फीस्ट जो है रेडी है टेबल पर। फीस्ट मीन्स खाना, जो भोजन उन्होंने मैरिज फीस्ट जो होता है, जो शादी में खाना होता है, वो मैरिज फीस्ट जो है टेबल पर रेडी है। मैरिड इन का मतलब है जो साउंड आ रहा है, जो मैरिज का साउंड आ रहा है, साउंड ऑफ मैरिज। तो वो कह रहा है कि मैं सुन सकता हूँ कि मैरिज का जो साउंड हो रहा है, कि डांसिंग एंड सिंगिंग सब चल रहा है। इससे पता चल रहा है कि मैरिज फेस्टिविटी है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो वो कहता है कि मुझे जाना चाहिए। इसके लिए वो उसे बता रहा है कि फीस जो है सेट हो चुका है और मैरिज स्टार्ट हो चुकी है, उसका साउंड उसे सुनाई दे रहा है। He holds him with his skinny hand. There was a ship, quoth he. Hold off, unhand me, grey-beard loon. Eftsoons his hand dropped he. अब यहाँ पर मैरिनर की फिजिकल अपीयरेंस की बात होती है। जब वेडिंग गेस्ट बार बार उससे जाने को कहता है, तो मैरिनर उसे फिजिकली अपने पास रोकता है। He holds his hand. अब उसके हैंड थे स्किनी, मतलब बहुत ही थिन हैंड थे उसके, तो उन हाथों से, अपने हाथों से पकड़कर उस वेडिंग गेस्ट को रोकता है और अपनी कहानी शुरू करता है, अपनी स्टोरी शुरू करता है। देयर वॉज अ शिप कोथ ही मीन्स अपनी कहानी शुरू करता है और बताता है कि देयर वॉज अ शिप। होल्ड ऑफ अनहैंड मी ग्रे बियर्ड लून। लून मीन्स मैड मैन। जो गेस्ट है वह मैरिनर से कहता है कि लीव मी, अनहैंड मी, लेट मी गो, यू क्रेजी फेलो, यू मैड मैन उसे बोलता है। एफ्टसून्स हिज हैंड ड्रॉप्ड मी। एफ्टसून मीन्स इमिडिएटली। वो इमिडिएटली उसका हैंड छोड़ देता है। हिज हैंड ड्रॉप्ड ही इमिडिएटली उसका हैंड छोड़ देता है ये सब सुनकर। ही होल्ड्स हिम विद हिज ग्लिटरिंग आई। द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल। अब जो है मैरिनर उसे हिप्नोटाइज़ कर कर अपनी शाइनिंग आइज़ के थ्रू मैरिनर वेडिंग गेस्ट को रोकता है, उसे हिप्नोटाइज़ कर लेता है। अब वेडिंग गेस्ट जो है हिप्नोटाइज हो गया, स्टूड स्टिल मीन्स हियर मोशनलेस हो गया। ही लिसन्स टू हिम ओबीडेंटली एंड हेल्पलेसली, वो जो है सुनने के लिए बैठ जाता है। एंड लिसन्स लाइक अ 3 years चाइल्ड, यहाँ पर एक सिमिली यूज़ की गई है। वेडिंग गेस्ट को 3 years चाइल्ड की तरह दिखाया है कि वेडिंग गेस्ट इज़ लाइक, वो ऐसे सुन रहा है जैसे कि 3 years चाइल्ड हो। सो यहाँ पर सिमिली यूज़ की गई है कि अब वेडिंग गेस्ट कुछ कर नहीं पा रहा है, उसे मैरिनर की स्टोरी सुननी ही पड़ेगी। द मैरिनर हैथ हिज विल, अब जो मैरिनर चाहता था कि वेडिंग गेस्ट उसके पास बैठे और उसकी स्टोरी सुने, वो उसमें सक्सेस हो गया और उसने वो पा लिया जो उसे चाहिए था। द वेडिंग गेस्ट सेट ऑन अ स्टोन, ही कैन नॉट चूज बट हियर, एंड दस स्पेक ऑन दैट एंशिएंट मैन द ब्राइट आइड मैरिनर। अब वेडिंग गेस्ट जो है हिप्नोटाइज हो गया और वह एक स्टोन पर बैठ गया और उसकी स्टोरी सुनने के लिए एग्री हो गया। एंड अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ही कैन नॉट चूज़ बट हियर, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो हिप्नोटाइज हो चुका और उसे अब ये सुनना ही पड़ेगा, उसकी स्टोरी सुननी ही पड़ेगी। एंड दस स्पेक ऑन दैट एंशिएंट मैन द ब्राइट आइड मैरिनर, उसने जो है अपनी ब्राइट आइज़ के थ्रू उसको हिप्नोटाइज कर लिया, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वह उसकी स्टोरी सुनने के लिए बैठ गया है। द शिप वॉज चीयर्ड, द हार्बर क्लियर्ड, मेरीली डिड वी ड्रॉप, बिलो द केर्क, बिलो द हिल, बिलो द लाइट हाउस टॉप। अब मैरिनर ने जो है अपनी स्टोरी स्टार्ट कर ली है। हार्बर इज़ अ वार्म पार्ट। मैरिनर बताता है कि शिप ने जो है क्विकली वो एरिया पार कर लिया, हार्बर एरिया, और सी वाटर में सेल कर गई। मेरीली मीन्स हैप्पीली, मेरीली डिड वी ड्रॉप। अब देवर हैप्पीली सेलिंग, अब वो आगे बढ़ते गए। अब शिप जो है मूव होती गई, उसने कोस्ट एरिया और द चर्च का एरिया, हिली एरिया सब पार कर लिया। बिलो द लाइट हाउस टॉप, अब वो इतने आगे बढ़ गए कि उन्हें जो है हिली एरिया और लाइट हाउस जो है वो डिसअपियर्ड हो गया, उन्हें दिखना बंद हो गया। द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है, ही सन को ही दिखाया है। सन केम अप मीन्स सन रोज अप। एंड जो शिप जो है वो, इसका मतलब है शिप सेलिंग साउथवर्ड डायरेक्शन। आउट ऑफ द सी केम ही, सन जो है रोज़ हुआ साउथवर्ड डायरेक्शन से एंड सेट इनटू द सी। एंड ही शोन ब्राइट एंड ऑन द राइट, वह अगेन कहता है इसी बात को कि वह ऐसे ब्राइट कर रहा था और ऑफ द राइट साइड ऑफ द शिप मीन्स It sets down. Okay, went down into the sea. और sea में चला गया means it sets down. Higher and higher every day till over the mast at noon. Sun जो है higher great height पे दिख रहा था means till over the mast, highest pole of the ship जो है उसे mast बोला जाता है means अब वे इक्वेटर पे थे। इक्वेटर means भूमध्य रेखा, अब वे इक्वेटर पे थे। मीनिंग इसका मतलब है till over the mast at noon, इसका मतलब कि वो इक्वेटर पर पहुंच गए थे। The wedding guest here beat his breast for he heard the loud bassoon. Bassoon is a musical instrument जो मैरिजेस में म्यूज़िक के लिए यूज़ किया जाता है। अब वेडिंग गेस्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपना इम्पेशेंस और अपना डिसप्लेजर जो है शो कर रहा था कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और उसे लाउड बेसून का म्यूज़िक सुनाई दे रहा था जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से म्यूज़िक आ रहा है। बट वेडिंग गेस्ट ने उसे हिप्नोटाइज कर रखा था, इसीलिए वह कहीं जा नहीं सकता था। द ब्राइड हैड पेस्ड इनटू द हॉल, रेड एज अ रोज इज शी। वेडिंग सेरेमनी जो स्टार्ट हो चुकी थी, ब्राइड जो है एंटर कर चुकी थी हॉल में। रेड एज अ रोज़ इज शी, ब्राइड को रोज़ बोला गया है, रेड एज अ रोज़ की तरह बताया। यहाँ पर सिमिली यूज़ की गई है कि ब्राइड का फेस जो है इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था जैसे कि रेड एज अ रोज़। नोडिंग देयर हेड्स बिफोर हर गोज द मैरी मिस्ट्री, मीन्स जो सिंगर्स का ग्रुप था, सिंगर्स और म्यूजिशियंस जो थे अपने हेड को नोट कर रहे थे सिंगिंग के अकॉर्डिंग, और वो ब्राइड को हॉल में लेकर आ रहे थे। उनका पूरा ग्रुप ब्राइड को हॉल में लेकर जा रहा था। द वेडिंग गेस्ट ही बीट हिज ब्रेस्ट, उसने अपनी ब्रेस्ट को बीट करना शुरू किया और ये चीज़ उसकी हेल्पलेसनेस को दिखाती है। या ठीक है, नोट चूज़ बट हियर, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सुनने के अलावा। एंड द स्पेक ऑन दैट एंशेंट मैन, अब एंशेंट मैरिनर अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है। द ब्राइट आइड मैरिनर, वही आइज जिसने हिप्नोटाइज़ कर लिया गेस्ट को, वह अपनी स्टोरी को दोबारा स्टार्ट करता है, अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है। And now the storm blast came and he was tireless and strong. मैरिनर बहुत ही एक्साइटमेंट से बताता है कि स्ट्रोम आ गया था, सी में स्ट्रोम रोज़ हो रहा था। वो tireless and strong, स्ट्रोम जो है उसको पर्सोनिफाइड किया है कि वो बहुत ही वायलेंट था। He struck with his overtaking wings, मीन्स जो स्ट्रोम है उसकी वजह से शिप जो है स्ट्रक हो गई थी, एक ही जगह पर फंस गई थी, और वो फोर्सिबली स्ट्रॉम की वजह से साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। विद स्लोपिंग मास्ट एंड ड्रिपिंग प्रो एज हु परसुएड विद येल एंड ब्लो स्टिल ट्रीट्स द शेडो ऑफ हिज फॉय। फॉय मीन्स एनिमी। अब वो है मास्ट मीन्स हाईएस्ट पोल और प्रो मीन्स बैंड डाउन। अब वे परसुएड मीन्स फॉलो और चेज्ड, येल मीन्स नॉइस एंड ब्लो मीन्स मोशन। वे स्ट्रोम की वजह से साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। बैंड फॉरवर्ड, फोर्स की जो विंड का फोर्स था उसकी वजह से गलत डायरेक्शन में मूव हो रहे थे वो। अब यहाँ पर फॉय एनिमी का यूज़ किया गया है कि जो स्ट्रोम था उन्हें गलत डायरेक्शन में ऐसे धकेल रहा था जैसे कि वह शिप का एनिमी हो, स्ट्रोम। And forward bends his head. The ship drew fast, loud roared the blast, and southward aye we fled. And forward bends his head means ship जो है ऐसे लग रही थी कि वह भाग रही हो अपने enemy से बचने के लिए head down करके। The ship drew fast जो है जल्दी जल्दी ship drew कर रही थी, quickly move कर रही थी। Loud roared and blast, स्ट्रोम जो है लाउड रोड और ब्लास्ट था। एंड साउथवर्ड ए वी फ्लेड, जो उन्हें साउथवर्ड डायरेक्शन में बहा कर ले जा रहा था। एंड नाउ देयर केम बोथ मिस्ट एंड स्नो एंड इट ग्रू वंड्रस कोल्ड। शिप जो है साउथवर्ड डायरेक्शन में साउथ पोल की तरफ पहुंच गई जहां पर चारों तरफ मिस्ट और स्नो थी, धुंध और कोहरा भरा हुआ था। एंड इट ग्रू वंडरस कोल्ड, जो कोल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा, ठंड बहुत ही ज़्यादा थी जो सहन नहीं की जा सकती ऐसी ठंड। एंड आइस मास्ट हाई केम फ्लोटिंग बाय एज ग्रीन एज ए मिरर, आइसबर्ग्स थे, चारों तरफ आइसबर्ग्स दिख रहे थे जो कि ग्रीनिश रिफ्लेक्शन दे रहे थे। यहाँ पर ग्रीनिश रिफ्लेक्शन को एमेरल्ड दिखाया गया है जो कि एक प्रीशियस स्टोन होता है, बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर होता है। सो आइसबर्ग्स को जो चारों तरफ ग्रीनिश रिफ्लेक्शन दे रहे थे उसे एमेरल्ड स्टोन से कंपेयर किया गया है। एज थ्रो द ड्रिफ्ट्स द स्नोई क्लिफ्स डिड सेंड अ डिस्मल शीन, शीन मीन्स ब्राइटनेस। चारों तरफ आइसबर्ग्स जो हैं शाइनिंग दे रहे थे, शाइन ब्राइटनेस दे रहे थे। डिस्मल मीन्स डिप्रेस्ड, जो कि एक सैड और ग्लूमी साइड प्रेजेंट कर रही है। मीन्स ये एक सैड बात भी है कि वे फंस गए हैं, स्ट्रक हो गए हैं आइसबर्ग्स की वजह से, और दूसरी तरफ ये ब्राइटनेस एमेरल्ड प्रीशियस स्टोन की तरह आइसबर्ग्स दिख रहे हैं। नो शेप्स ऑफ मैन और बीस्ट वी कीन द आइस वॉज ऑल बिटवीन, बीस्ट मीन्स एनिमल। अब ये कहता है कि चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा था, चारों तरफ आइस ही आइस थी। द आइस वॉज ऑल बिटवीन, चारों तरफ आइस थी। एंड शेप्स, कोई भी ह्यूमन बीइंग और एनिमल हमें वहाँ पर नहीं दिख रहा था उस कोल्ड रीजन में। The ice was here, the ice was there, the ice was all around. चारों तरफ ice ही ice थी. It cracked and growled and roared and howled like noises in a swoon. Ice जो crack हो रही थी उसका sound दिखाया गया है. Cracked and growled, ये ओनोमेटोपोइया यहाँ पर यूज़ किया गया है कि आइस का साउंड दिखाया है जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है. एंड रोड, हॉल्ड, ये सारे आइस के साउंड दिखाए गए हैं जो आइस के ब्रेक होने से होते हैं. लाइक नॉइसेस इन अ स्वॉन, यहाँ पर सिमिली यूज़ की गई है. आइसबर्ग्स के थंडरिंग और रम्बलिंग की साउंड नॉइसेस लाइक ए स्वॉन की एक सिमिली यूज़ की गई है. एट लेंथ डिड क्रॉस एन एल्बेट्रोस, थ्रो द फॉग इट केम. एल्बेट्रोस एक बर्ड है, होली बर्ड. आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, एट लेंथ, आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम जो एल्बेट्रोस आया. थ्रू द फोग इट केम, जो है फोग के बीच में से निकल कर आया. एज इट हैड बीन अ क्रिश्चियन सोल वी हेल्ड इट इन गॉड्स नेम. मैरिनर जो है उस बर्ड को क्रिश्चियन सोल से कंपेयर करता है, वो एक होली बर्ड था. वी हेल्ड, हेल्ड मीन्स हियर वेलकम्ड, वो उस का वेलकम करते हैं एज गॉड्स नेम, भगवान के नाम पर उसका वेलकम करते हैं कि वह एक होली बर्ड है, क्रिश्चियन सोल की तरह उसका स्वागत करते हैं. इट एट द फूड इट नियरर हैड ईट एंड राउंड इट फ्लू. वह जो है जो फूड उन लोगों ने, सेलर्स ने अपने लिए कैरी कर रखा था वो वह खाता था. एल्बेट्रोस उस बर्ड का नाम है, वह उसे खाता था, उस होली बर्ड जो है वो फूड खाता था जो सेलर्स के पास था उनके लिए. एंड राउंड इट फ्लू, जो है गोल गोल उनके चारों तरफ उड़ता रहता था. द आइस डिड स्प्लिट विद अ थंडर फिट, द हेल्म्समैन स्टीर्ड अस थ्रो. एल्बेट्रोस ने उस आइसबर्ग को कट कर दिया और रास्ता बना दिया वहाँ से निकलने के लिए. सेलर्स जो हैं वो अब शिप को सेल कर पा रहे थे, उस गैप में से वो उसे निकाल ले जा रहे थे. सेल्समैन जो उस टाइम शिप को सेल कर रहा था, द सेल इनफैक्ट अब जो है वो उसमें से निकाल पा रहे थे, उस गैप में से निकल सकते थे. एल्बेट्रोस ने वो रास्ता जो है साफ़ कर दिया था. एंड अ गुड साउथ विंड स्प्रंग अप बिहाइंड, द एल्बेट्रोस डिड फॉलो. साउथ साइड से जो है विंड स्टार्ट हो गई थी आनी. स्प्रंग मीन्स रोज, साउथ साइड से एक फेवरेबल, एक गुड विंड आनी स्टार्ट हुई. द एल्बेट्रोस डिड फॉलो. एंड एवरी डे फॉर फूड और प्ले केम टू द मैरिनर्स होलो. होलो मीन्स शाउट और कॉल. एल्बेट्रोस जो है डेली शिप को फॉलो कर रहा था. एवरी डे जो उसे फूड मिलता था वह उसे खाता था और सेलर्स के साथ वह प्ले करता था. इन मिस्ट और क्लाउड, ऑन मास्ट और श्राउड, इट प्रीज्ड फॉर वेस्पर्स नाइन. वेस्पर्स नाइन एक फ़िक्स टाइम होता था, फिक्स्ड टाइम एवरीडे जब वो चर्च में प्रे करते थे. वेस्पर्स नाइन. इन मिस्ट और क्लाउड, एल्बेट्रोस जो है आता था मिस्ट और क्लाउड्स में से और वे शिप को सेल करते थे फिक्स्ड टाइम पे इवनिंग प्रेयर के बाद. वाइल ऑल द नाइट थ्रो फोग स्मोक वाइट ग्लिमर्ड द वाइट मूनशाइन. नाइट्स फोगी थी एंड मून जो है डिम था. एंड स्मोक लाइक वाइट फोग, मून ऐसा लग रहा था जैसे कि वाइट फोग हो, स्मोक हो. ग्लिमर द वाइट मून शाइन, ग्लिमर मीन्स शाइनिंग थ्रू द मून, और जो मून बीम्स जो है डिम शाइन कर रहे थे. गॉड सेव द एंशिएंट मैरिनर फ्रॉम द फ्रेंड्स दैट प्लेग thee thus. Why lookest thou so with my crossbow? I shoot the albatross. अब ancient mariner जो है उसे बहुत ही strange way में देखता है. वेडिंग गेस्ट प्रे करता है गॉड से, गॉड सेव द एंशिएंट मैरिनर. वेडिंग गेस्ट प्रे करता है गॉड से कि वो वह किसी तरह से एंशिएंट मैरिनर को उस पर दया आए और वह उसे छोड़ दे. फ्रॉम द फ्रेंड्स दैट प्लेग दी दस वी लुकेस्ट डाउ सो विद माई क्रॉसबो. वह भगवान से प्रे करता है कि वह किसी तरह से डेविल से बचा ले एंड वह टॉर्चर हो रहा है, तो वह प्रे करता है कि एंशिएंट मैरिनर उस पर दया आए, एंशिएंट मैरिनर को उस पर, और वह उसे जाने दे. वह उसे पूछता है, वह उसे टेरिबल वे में देखता है एंशिएंट मैरिनर, तो वह उससे पूछता है मैरिनर से कि वाई ही लुक्ड दस द मैरिनर. अब मैरिनर उसे रिप्लाई करता है कि आई शूट द एल्बेट्रोस विद माई क्रॉसबो, कि वह उसने एल्बेट्रोस को शूट कर दिया अपनी एरो से, अपनी क्रॉसबो से. So this is all about The Rime of the Ancient Mariner, but it's the part 1. We will discuss about part 2 also. So if you guys understand, like that video and subscribe it. Thank you.